कॉलेज में खासकर जो एससी और बीसी के बच्चे हैं, एससी के बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है, आपका एडमिशन बिल्कुल फ्री में होगा, ठीक है, कोई पैसा नहीं देना आपको, बस एक फॉर्म भरना है जिसकी 100 रुपये लागत है, ठीक है, 5 साल का कोर्स है आपका, 4 का है 3 का 2 का है, वो आपका बिल्कुल फ्री में। फिर आते हैं बैकवर्ड के बच्चे, जो बीसी के बच्चे हैं, जैसे कंबोज होते हैं, या आपके गांव में कंबोज हैं ज़्यादातर, तो वहाँ जो कंबोज हैं उनके लिए होता है कि आपको फीस पे करनी पड़ेगी, बाकी पर थोड़े दिन बाद आपकी फीस वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। फिर जनरल के बच्चे हैं, जैसे जाट हैं, सरदार हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, ठाकुर हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए स्पेसिफिक एक स्कॉलरशिप होती है, लोअर इनकम ग्रुप स्कॉलरशिप है, या बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो स्कॉलरशिप देते हैं आप लोगों के लिए। आप ये मान के चलना कि अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो 99% मामले जिनके फादर जॉब में नहीं है या जिसके पास 20-30 किलो जमीन नहीं है, बाकी सारे के सारे बच्चे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको कोई पैसा नहीं देना, और आप तो आपका तो इवन हरियाणा सरकार ने बस का पास भी फ्री है, पनियारी से चलो सीधा यूनिवर्सिटी गेट पर उतरो, यूनिवर्सिटी में एंट्री करो, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में आप ये चीज मान के चलना, कम से कम अगर आप यूएसजीएस में हैं, यहाँ लॉ डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, या मैथ डिपार्टमेंट भी है जहाँ 4 से 5 साल का कोर्स चलता है, अदर वहाँ अदर यूनिवर्सिटीज में जहाँ आप एडमिशन लेते हो ना, तो जिस कोर्स की 3 से 4 लाख रुपये लागत है वो कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आपको करवा देगी, आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना यूनिवर्सिटी, सिर्फ आपने अपना टाइम देना है और पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए कि यूनिवर्सिटीज के जितने भी टीचर हैं, आपके जितने भी इंटरव्यूज होते हैं ना नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, लगभग जो टीचर जाते हैं वो इंटरव्यू पैनल में बैठे होते हैं, ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं सर भी यहीं पढ़े हुए हैं, मैं भी यहीं पढ़ा हुआ हूँ, मैडम शायद यहाँ ध्यान में नहीं है, पर ज्यादातर जो इस यूनिवर्सिटी में टीचर हैं आप यकीन मान के चलिए कि हम लोग यहीं पढ़े हुए हैं, बस आपको सिर्फ एक काम करना है, एक तो पैसे की चिंता कर लेके आनी आनी है, ठीक है, कि भाई हमारा एडमिशन कैसे होगा, फीस इतनी है, या मतलब हम फीस मेरे फादर पे नहीं कर पाएंगे, आप वो टेंशन घर छोड़ के, ठीक है, आप सिर्फ हमारे पास आ जाइए, आपकी पढ़ाने की और आपको नौकरी लगवाने की जिम्मेवारी हम लोग ले रहे हैं। हाँ, शर्त ये है कि आपको स्टडी के लिए टाइम देना होगा, और भाई स्टडी के लिए टाइम नहीं है तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन मत लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे लोग आगे लाइन में होते हैं, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है पूरे विश्व का स्कूल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास यहाँ इराक तक से बच्चे आने हैं, इराक से, अफगानिस्तान से, ठीक है, वहां से बच्चे आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि नौकरी लग जाओ लगेंगे यहाँ से पढ़ने के बाद, ठीक है। तो एससी वाले बच्चे हैं जो उनका कोई पैसा नहीं है, बैकवर्ड के जो बच्चे हैं, बैकवर्ड क्लास से जो बिलोंग करते हैं उनकी स्कॉलरशिप उनको मिलेगी, ठीक है, एक बार फीस पे करनी होगी, ठीक है, या जो जनरल के बच्चे हैं उनको लोअर इनकम ग्रुप है जो स्कॉलरशिप मिलती है, और एक और चीज डॉक्टर मेडिकल स्कॉलरशिप है आजकल चल रही है, अगर आपके प्लस टू में 60% से ज़्यादा नंबर है आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे आपके एडमिशन होने से पहले, ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, पैसे की चिंता नहीं करनी है, पैसे की सरकार की चिंता है यूनिवर्सिटी।